जय हिंद साथियों, मैं अली स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने YouTube परिवार एग्जाम चार्जर में। बच्चे हम लोग जो हैं एच डी यादव बुक जो न्यू वाली है उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, और उसका जो आज हम लोग चैप्टर अपना कर रहे हैं उस चैप्टर का नाम है हमारे का लाइन ग्राफ रेखा चित्रण, जिसका हमने एक पार्ट अभी तक कंप्लीट किया है, जिसमें 23 क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ से कंप्लीट किए हैं। आज मैं उससे आगे के सवाल लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ, तो जल्दी से सभी बच्चे लाइव जुड़ जाइएगा जिससे हम अपनी क्लास को बहुत ही मजेदार तरीके से पूर्ण करेंगे। तो चलिए बच्चे, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। देख लीजिए बच्चे, जो आज का हमारा 24 नंबर का सवाल है आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है मेरे भाई, करने की कोशिश कीजिए। सवाल यहाँ से क्या है, सवाल है कि रेखा चित्रण दर्शाता है, ये आप लोगों को पढ़ना है, लेकिन सवाल हमारा यहाँ से, सवाल कहाँ से, यहाँ से बताना है कि वर्ष 2011 और 2013 के बीच हुई विफलताओं का क्या अंतर था। तो आप कहेंगे 2011 कहाँ है आपका, ये है, और कितनी विफलताएं थी 2011 में, तो आप कहेंगे भैया 2011 में तो 2000 ही विफलताएं थी। कितनी थी, 2000 विफलताएं थी उसने बोला, और 2013 में, जब आप देखेंगे 2013 वाला पोर्शन कहाँ ये है और इसके सामने कितना है, तो आप कहेंगे भैया इसके सामने तो ये विफलताओं का है कितना, 6500 मतलब 6500 है, कितना है 6500 है। तो मेरे शेर, मैं अब आपसे ये पूछूं कि इन दोनों का अंतर कितना होगा मेरे भाई, तो आप कहेंगे भैया 6500 में से 2000 घटा दो, तो 6500 में से 2000 घटाए तो कितना बचा, आप कहेंगे भैया 4500 बचा, कितना 4500 बचा, और यही आपका आंसर होगा। ये किस ऑप्शन में है, तो आप कहेंगे कि जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है, 4500 आंसर। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं बिना किसी देरी के। सवाल यहाँ से क्या है, सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है, सवाल है पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष में रिक्तियों की संख्या कम थी, रिक्तियों की संख्या कम थी पिछले वर्ष की तुलना में, पिछले वर्ष की तुलना में, तो देख लीजिए 2011 में 30 थी, तो 2011 में कितनी, 12 में कितनी होगी, 90, तो ये तो बढ़ के गई है, तो यहाँ से ऑप्शन से देख लो, 2015 में देखो तो 2015 में देखो 2014 में कितनी थी 40, 15 में कितनी होगी 50, तो ये भी क्या हुई है, बढ़ी है ऊपर, तो मेरे भाई ये ऑप्शन भी नहीं है। 2014 का देखूं मैं तो 2013 में देखो कितनी थी, आप कहेंगे भैया 50 थी, और जो 2014 में क्या हुई 40, इसका मतलब कम हुई है, और उसने पूछा क्या है, कम थी, उसने पूछा क्या है, कम थी पिछले वर्ष की तुलना में, तो आप कहेंगे कौन से वर्ष में कम है आपके, आप कहेंगे भैया 2014 में ही कम है, क्योंकि 13 में कितनी थी 50 थी, और 14 में कितना हो गया, डाउन हो गया, कम होकर कितना हो गया, वो रेशियो आपका 40 हो गया, ठीक है 40 हो गया, तो कम किस वर्ष में थी, आप कहेंगे भैया सन 2014 में थी, जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है, ये इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देख लीजिए बिना किसी देरी के, आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है, सवाल है कि किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में विफलताएं अधिक थीं, किस वर्ष की तुलना में, पहले 2014 को चेक करो, अधिक थीं भाई, इसने आपके बोला है, देखो यहां से बोला गया है आपका अधिक, तो यहां हम देखेंगे 2014 में, 2014 ये है हमारे पास, और ये कितना 2014, आप कहेंगे 90 मतलब 9000 है, और 2013 में कितना था, आप कहेंगे भैया 2013 में 6500 था, ठीक है 6500 था, तो उसने कही है पिछले वर्ष की तुलना में अधिक, तो 2014 का देखो ग्राफ देखो कहाँ गया मेरे शेर, ऊपर गया, तो अधिक हुआ, बिल्कुल अधिक हुआ, तो इसका देखो 2014 ही आंसर होगा। आगे आप चेक करोगे 2013 में, तो देखो 2012 में कितना था, आप कहेंगे भैया 2012 में 7500 था, लेकिन जैसे ही हम लोग 2013 पर कुआए तो डाउन हुआ, ग्राफ कहाँ हुआ, नीचे कुआया मतलब कम हुआ, तो इस वजह से 2013 भी गलत हो गया। 2015 की मैं बात करूँ, 2014 में 9000 था, लेकिन जैसे ही हम 2015 पाए तो यहाँ कितना 2500, तो देखो यहाँ पे भी आप देखेंगे डाउन हुआ, नीचे कुआया है, तो ये भी कम था, ठीक है। चलिए तो एक ही ऑप्शन है आपका सही, इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, तो आप कहेंगे भैया जो ऑप्शन नंबर ए है हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है, कहने की कोशिश कीजिए, सवाल है कि पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष में हुई मृत्युओं की संख्या कम थी, पिछले वर्ष की तुलना में कम, आपका कम बताना, तो पहले 2015 को चेक कर लो, 2015 का ग्राफ देखोगे 2014 से तो ऊपर गया भाई, 2015 तो है नहीं, 2015 तो है नहीं क्योंकि इसका ग्राफ ऊपर गया, 2016 देख लेते हैं, तो देखो 2015 से जब हम 2016 पे गए ये भी ऊपर गया है ग्राफ, इसे भी छोड़ दो, ये भी नहीं है भाई, 2014 देख ले, तो देखो 13 में कितना था 6000, लेकिन जैसे ही 14 पाए कितना 1500, तो भाई ग्राफ कहाँ आया, नीचे कम, कम की तरफ आया है, और यहाँ पूछा क्या है, कम ही पूछा है, क्या पूछा है, कम ही पूछा है, तो किस में है कम, आप कहेंगे भैया 2014 में, जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है, ये ग्राफ आपका जो है बिल्कुल आपको बताएगा कौन सी बात सही है कौन सी गलत है। चलिए अगला सवाल देख लीजिए मेरे शेर, आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है, सवाल यहाँ से है मेरे भाई, सवाल ये है, देखो क्या है, सवाल है कि अंतिम 4 वर्षों में कंपनी के
कुल कितना निर्यात किया था कंपनी ने, कुल कितना निर्यात किया था लास्ट 4 में, तो आप देखेंगे 2017 में कितना किया मेरे भाई, अगर मैं आपसे पूछ लूं, क्योंकि बाद के 4 की बात चल रही तो आप कहेंगे 2017 में 55 किया है। कितना किया 55, क्योंकि ये 2017 और इसके ऊपर वाली बात आप लोगों को देखनी थी 55। आगे हम लोग देखेंगे 2016 में कितना किया है, मैं आपसे पूछ लूं तो आप कहेंगे भैया 2016 में किया गया है 16 के ऊपर चले जाओ 85। देखो मैं करने को तो डायरेक्ट करा दूं इनको, है ना, बहुत फास्ट करा दूं, मगर कुछ बच्चे हमारे नए हैं उनको भी देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। 2015 में कितना हुआ है मेरे शेयर, आप कहेंगे भैया 2015 में हुआ है ये कितना 95, कितना हुआ है 95 हुआ है, और कितने वर्ष बोले थे 4 वर्ष बोले थे, और लास्ट कितना रह चुका है आप कहेंगे 2014 रह गया, क्योंकि चौथा वर्ष भी होना है। 2014 में कितना हुआ आप कहेंगे 45 हुआ है, कितना हुआ आप कहेंगे भैया 45 हुआ है। इन सबको जोड़ दो 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20 के का 0 हासिल लगे कितना 2, ठीक है, 8, 2, 10, 9, 19, 4, 23, 23, 5, 28, तो कितना हुआ था आप कहेंगे भैया 280 हुआ था, कितना हुआ था 280 हुआ था, और 280 आपके किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है 280। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं, अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है, सवाल है यहाँ से देखोगे आप लोग तो आप कहोगे भैया सवाल है कि पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष में हुई मृत्यु की संख्या अधिक थी, अब क्या अधिक बतानी, क्या 2013 में अधिक थी, तो आप देखोगे 12 से 13 पाए भाई नाउ डाउन हुआ है, गलत है बात, क्या 2012 में थी, आप देखेंगे 11 से कहाँ गए हैं 12 पर गए हैं तो ऊपर हुआ, मतलब अधिक हुआ है, तो आप कहेंगे जी हाँ भैया 12 का ग्राफ जो है ऊपर की तरफ चढ़ा है और 12 में ही क्या हुई है अधिक हुई है, तो इस सवाल का आंसर आपके का क्या होगा, आप कहेंगे भैया 12 होगा, क्या होगा इस सवाल के का, इस सवाल का आंसर आपके का आप कहेंगे भैया सन 2012 होगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, अगला सवाल देखो मेरे भाई क्या है, सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है, सवाल है वर्ष 2012 और 2015 के बीच हुई मृत्युओं की संख्याओं का अंतर, भाई 2012 में देख लीजिए पहले कितनी हुई है, तो आप कहेंगे भैया 2012 वाले पोर्शन में जाइए और इसको बिल्कुल स्टेट कीजिए कितनी हुई है 85, ठीक है भाई, कितनी हुई है 85 हुई है, ठीक। उसके बाद 2015 है, मैं 2015 में जाता हूँ और यहाँ देखता हूँ 2015 के ऊपर कितना 1000 कितना है, अगर मैं 2015 की बात कर लूँ यहाँ से तो आप कहेंगे भैया यहाँ तो 1000 हुई है, कितनी हुई है 1000, भाई दोनों का अंतर पूछा है, तो 8500 में से 1000 घटाया तो कितना बचा आप कहेंगे भैया 7500 बचा, कितना बचा 7500 बचा, और यही आपका आंसर होगा, 7500 आपके किस ऑप्शन में है, जो ऑप्शन नंबर सी है मेरे शेर वो बिल्कुल सही है आपका 7500। चलिए भाई अगले सवाल के पास चलते हैं, अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, सवाल है वर्ष 2000 मेरे भाई वर्ष 2017 और 14 के बीच विशेष योग्यताओं के साथ उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या में अंतर, तो देखो पहले 2017 की मैं बात कर लूं, 2017 में कितने छात्र उत्तीर्ण हुए, तो आप देखेंगे भैया 2017 का पोर्शन ये है और यहाँ से कितने हुए आप कहेंगे 6500, कितने हुए हैं यहाँ से आप कहेंगे भैया ये तो 6500 हुए हैं। चलिए दूसरा क्या है 2014 की भी अगर मैं बात कर लूँ तो आप कहेंगे भैया 2014 में अगर हम देखें तो यहाँ से कितने हुए हैं 3500, यहाँ से कितने हुए हैं आप कहेंगे भैया 3500 हुए हैं, ठीक है 3500। अब मेरे भाई यहाँ से इन दोनों का अंतर आप लोगों को निकालना था, तो 6500 में से 3500 घटा दीजिए तो कितना बचा आपका, आप कहेंगे भैया 3000, कितना बचा 3000 बचा, और यही आपका आंसर होगा 3000। आपके किस ऑप्शन में है, जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही है 3000। बच्चे इस सवाल का आंसर आपके का कितना आ चुका है, आप कहेंगे भैया इस सवाल का आंसर हमारे का 3000 आ चुका है, तो बहुत अच्छे से ये सवाल आपके मतलब समझ आ रहे होंगे आई होप। चलिए अगला सवाल मेरे भाई आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है, सभी मेरे भाई बहन बताएंगे इस सवाल को क्या है कि किस वर्ष में विशेष योग्यता से उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या पिछले वर्ष में उत्तीर्ण हुए छात्रों से कम, मेरे भाई यहाँ भी आपको कम वाली बतानी है, कम वाली क्या 2012 में, तो देखेंगे 11 से 12 वाले ऊपर है भाई, तो इसका मतलब अधिक है तो छोड़ दो क्योंकि कम की बात करनी है। 2014 में देखेंगे हम लोग तो भाई यहाँ से 13 से जब 14 में जाएंगे तो ये भी ऊपर गई है, इसको भी छोड़ दो 2014 को। 2015 देखेंगे, 2015 देखो 14 से 15 पे गई, ये भी ऊपर गई है, इसको भी छोड़ दो, अब एक ही ऑप्शन बचा 2013, तो ये आंसर होगा, चाहे आप देख लीजिए 2013। भाई 2012 में कितनी थी आप कहेंगे 7000 थी, और 2013 में कितनी होगी 1500, इसका मतलब क्या नीचे को आया है, नीचे को आया है तो कम होगा भाई, बार ग्राफ नीचे को आया है तो कम होगा, तो किस वर्ष कम हुआ आप कहेंगे भैया वर्ष 2013 में कम हुआ, कब हुआ वर्ष 2013 में कम हुआ। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं मेरे शेर, अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, देखो सवाल क्या है यहाँ पे, कोहली और रोहित शर्मा की बात कर ली गई है। भाई देखो अगर आप यहाँ से चिन्ह को देखना बहुत जरूरी है, कोहली का चिन्ह कौन सा, तो ये वाला है, ठीक है, ये कोहली का चिन्ह है और ये क्या है रोहित शर्मा का, ठीक है, रोहित शर्मा का चिन्ह जो है आपका कुछ ऐसा है वर्ग की तरह, और कोहली का चिन्ह जो है आपका कुछ ऐसा है तिरछा, ठीक है, कुछ तिरछा है मेरे शेर, कुछ तिरछा, ये रोहित का है, ये कोहली का, ये किसका है, ये रोहित का है और ये किसका है, ये कोहली का है, ठीक है। चलिए उसने बोला है कोहली द्वारा एस
कोहली द्वारा टीम एस के विरुद्ध बनाए गए रन, भाई टीम एस में जाइए ये है और कोहली का चिन्ह कौन सा, तो आप कहेंगे भैया कोहली का चिन्ह तो ये वाला है क्योंकि कोहली की रेखा कौन सी है, ये बच्चे ये कोहली की रेखा है, ये शर्मा की रेखा है, तो देखो ये गई ये गई ये आ गई, तो कोहली की रेखा कितनी यहाँ पे 500, कितनी है यहाँ पे 500, ठीक है। तो एस के विरुद्ध बनाए गए रन अगर कोहली के मैं आप सब बताऊं तो आप कहेंगे भैया ये कितने हैं 500 हैं। वहीं पे अगर मैं रोहित की बात कर लूँ शर्मा की, या रोहित शर्मा इसका ही नाम है ठीक है, तो रोहित शर्मा की मैं बात कर लूँ तो देखो उसने बोला है और शर्मा द्वारा एस के विरुद्ध बनाए गए रनों से कितने प्रतिशत कम है, तो भाई शर्मा ने कितने रन बनाए हैं अगर आप देखेंगे इसमें ही, तो शर्मा ने बनाए हैं कितने 1200। शर्मा ने कितने रन बनाए हैं आप कहेंगे भैया शर्मा ने 1200 रन बनाए हैं, रोहित ने 1200 बनाए हैं और कोहली ने 500, भाई ये कितने कम है, ये कितने कम है अगर मैं आपसे पूछ लूं तो आप कहेंगे भैया ये तो 700 कम है, कितने कम है 700 कम है। और मेरे शेयर ध्यान रखना कम हमेशा ज्यादा वाले से होता है, कम हमेशा किससे होता है ज्यादा वाले से, तो किससे कम है आप कहेंगे भैया 1200 से कम है, किससे कम है 1200 से, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100, ये दो जीरो से आपके दो जीरो कैंसिल आउट हो चुके हैं, अब 60 से इसको काटिए 12 पंजे 60 बचा कितना 10 हो गया 100, 12 अट्ठे 96 बचा कितना 4 पॉइंट लगाए हुए 40 12 3 36 बचा कितना यहाँ से 4 12 3 36 कितना है 58.33, तो 58.33 आपके किस ऑप्शन में है आप कहेंगे भैया जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है 58.33। आई होप बहुत अच्छे से ये सवाल आपके समझ आया होगा मैं आशा करता हूँ। चलिए अगला सवाल देख लीजिए मेरे भाई, आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है, सवाल क्या है कि कोहली द्वारा क्यों तथा आर के विरुद्ध बनाए गए कुल रन, भाई अगर मैं कोहली की बात करूँ कोहली की ठीक है कोहली की मैं बात करूं तो कोहली ने किस किस के विरुद्ध बनाए हैं आप कहेंगे भैया क्यू के और आर के, तो क्यू आर दोनों टीमों को मैं एक साथ ही ब्लॉक में ले लिया ठीक है, और कोहली कौन सा था मैंने आपसे बताया शुरू में, ये कोहली था ये कौन था रोहित, तो कोहली की लाइन में जाइए यहाँ, तो कोहली ने यहाँ कितने बनाए 1100, ऊपर चढ़ा तो यहाँ कितने बनाए 1400 ठीक है, तो कोहली ने टोटल कितने बना दिए 11 14 25, कितना बना दिया आप कहेंगे भैया ये 11 14 है टोटल क्योंकि कुल रन पूछे 25। और यहाँ से अगर मैं शर्मा की बात करूँ SHARMA शर्मा की बात करूँ किसकी रोहित शर्मा की, तो आप लोग देखेंगे शर्मा ने और पी और आर के विरुद्ध बनाए गए रनों से कुल कितना अंतर बताना है, तो भाई देखो रोहित का ये था 700 और एक ये था 1000, तो 700 और 1000 कितना हो गया आप कहेंगे भैया 1700 हो गया, कितना हो गया 1700 हो चुका है। अब मैं आपसे पूछूं इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, तो आप कहेंगे 2500 में से 1700 गए आपके कितना बचा, आप कहेंगे भैया 800 बचा, कितना बचा 800 बचा, और यही आपका आंसर होगा 800 आपके किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही है 800, जो ऑप्शन नंबर डी है इस सवाल का वो बिल्कुल सही है 800 ठीक है, तो बच्चे इस सवाल का आंसर आपके का 800 आ चुका है। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं मेरे भाई, सवाल यहां से है कि कोहली द्वारा पांचों टीमों के विरुद्ध बनाए गए कुल रन कितने हैं कोहली के द्वारा, तो मेरे भाई यहां से हम लोग किसके कोहली के रन देखेंगे बच्चे कोहली के, तब आप लोग बताएंगे क्या बोला है पांचों टीमों के विरुद्ध कोहली द्वारा कुल बनाए गए रनों की संख्या, तो कोहली कौन सा है मैं आपको हर बार बता रहा हूँ ये कोहली है, तो 1000 प्लस 1100 प्लस 1400 प्लस 500 और प्लस 800 ये बनाए हैं कोहली ने, तो कितने कितने बनाए हैं अगर मैं आपसे टोटल पूछ लूँ तो आप कहेंगे भैया 1000 बनाए शुरू में 1000, फिर द्वारा कितने बनाए 1100 बनाए भैया 1100, फिर तिवारा 1400 बनाए हैं, और फिर आप कहेंगे 500 फिर 800, कितने 500 और फिर कितना 800 जोड़िए 0 0 8 5 13 और 4 17 और 1 18 के का 8 हासिल लगा कितना 1 3 और 1 कितना 4 4800, टोटल कितने रन बनाए हैं आप कहेंगे भैया कोहली द्वारा पांचों टीमों के विरुद्ध टोटल 4800 रन बनाए गए हैं, कितने 4800 रन बनाए गए ये अभी आप लोगों ने जोड़ा है। चलिए अगला सवाल देखिए आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है, सवाल यहाँ से है कि शर्मा द्वारा पांचों टीमों के विरुद्ध बनाए गए रन, तो बच्चे पहले शर्मा द्वारा देख लेते हैं हम SHARMA, फिर क्या बोला है शर्मा द्वारा, और कोहली द्वारा पांचों टीमों के विरुद्ध बनाए गए रनों का कुल कितने प्रतिशत हैं, तो भाई देखो कोहली के तो अभी हम लोगों ने निकाले हैं कोहली के तो बच्चे अभी हम लोगों ने निकाले हैं कितने बनाए हैं कोहली ने 4800 ठीक है बच्चे, कितने 4800। अब रोहित के और देख लीजिए रोहित के कौन से हैं आप कहेंगे भैया शर्मा के नीचे वाले थे 800 700 1000 1200 और कितना 1300, बच्चे इन सबको अगर मैं जोड़ूंगा ठीक है तो कितने हो जाएंगे 800 थे प्लस कितने थे आप कहेंगे भैया 700 थे प्लस कितने थे 800 700 के बाद 1000 थे कितना 1000 के बाद 1200 और फिर 1300 कितना 1200 और फिर कितना है आप कहेंगे भैया ये 1300 है 1300
भाई ये जीरो, ये जीरो आपका, 8 7 15 15 8 2 17 3 20 के का जीरो हाथ से लेके फिर दो और 3 8 2 5, तो इसने कितने बनाए 5000, तो इसने कितने बनाए 5000। चलिए मैं इसको मिटा लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से कितने आ चुके हैं शर्मा के, कितने आ चुके हैं आप कहेंगे भैया 5000 आ चुके हैं। उसने बोला है जो शर्मा के रन है वो कोहली के रनों का कितने प्रतिशत, भाई शर्मा के कितने आप कहेंगे भैया 5000 है, कितने 5000, किसको का कोहली को का, कोहली के कितने आप कहेंगे भैया 4800 है और कितने प्रतिशत आप कहेंगे भैया प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल आउट हो चुके हैं बच्चे, चार से हम लोग इसको काटेंगे, चार दुनिया आठ, चार से इसको काटिए, चार एकन चार कितना बचा एक, चार दुनिया आठ, दो बचा चार पंजे 20 और जीरो का जीरो ऐसे ही। तो बच्चे अब इसको मैं काटूंगा, जब इसको मैं काटूंगा 12 से तो 12 एकन 12 उतार कितना लिया 5, भाग न जाती का जीरो, उतार लिया कितना जीरो। अब 12 चौक 48 बचा कितना 2, पॉइंट लगाया हो गया 20, 12 एकन 12 बचा कितना यहाँ से 8 हो गया 80, 12 6 72 तो लगभग कितना 104.16, कितना आ चुका 104.16 जो आपके कौन से ऑप्शन में है, आप कहेंगे भैया 104.16 किसमें है, हमारे ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही है। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं, अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है। सवाल है कि किस वर्ष में कंपनी ए और कंपनी बी द्वारा की गई बिक्रियों का अंतर न्यूनतम रहा, बच्चे अंतर बताना सबसे कम कहाँ रहा दोनों के बीच में। यहां से अगर मैं देखूं पहले तो बच्चे यहाँ कितने का अंतर था, आप कहेंगे भैया यहाँ अंतर जो था तो किसका था 20 का था, किसका था 20 का। यहाँ कितने का अंतर है आप कहेंगे भैया यहाँ भी 20 का है, यहाँ कितने का है यहाँ आप कहेंगे भैया यहाँ 10 का है, यहाँ कितने का है आप कहेंगे यहाँ 10 का है, यहाँ आप अंतर देखेंगे यहाँ भी 10 का है, यहाँ आप अंतर देखेंगे यहाँ भी 10 का है, लेकिन जैसे ही आप यहाँ आए तो यहाँ अंतर कितने का आ चुका है 30 30 है दोनों के पास, मतलब जीरो का अंतर, मतलब कितने का अंतर जीरो का अंतर, क्योंकि दोनों के पास बराबर है 30 30 है दोनों के पास, तो कितने का अंतर है भाई उनमें कोई अंतर नहीं है, शून्य है उनका अंतर। तो सबसे कम अंतर कहाँ है आप कहेंगे सबसे कम तो यही है, और यहाँ कौन सा वर्ष है हमारा, तो आप कहेंगे भैया 2006 है, कौन सा है 2006, तो आप बताएंगे किस वर्ष में है सबसे कम अंतर 2006 में है, बच्चे किस वर्ष में सबसे कम अंतर, आप कहेंगे भैया सबसे कम अंतर जो है 2006 में है। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है भाई, सवाल है कुछ इसको पढ़ना है, इतिहास और भूगोल की बात चल रही है मेरे शेर, इतिहास और भूगोल की, और रेशियो की बात चल रही है। देखो पहले इतिहास है फिर कौन है भूगोल है, तो आप इसको कैसे बता सकते हैं, आप इसको ऐसे बता सकते हैं अगर इसका हम लोग निकालें तो इतिहास बच्चे क्या निकाल सकते हैं, इतिहास बटा भूगोल, बटा क्या भूगोल बच्चे, इस तरीके से हम लोग इसका रेशियो निकाल सकते हैं, क्योंकि अनुपात बराबर क्या होता है बटा भी अनुपात को ही कहते हैं। चलिए कभी आप देखो कि भैया इसमें तो एक ही लाइन है, ठीक है, तो इस वजह से आप लोग ध्यान रखना ये इतिहास बटा भूगोल है। बच्चे सवाल 38 नंबर का है कि कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज्यादा अंक अर्जित किए हैं, कितने छात्रों ने बच्चे, कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में भाई सबसे ऊपर कहां, कितने छात्रों ने, मतलब अगर मैं यहाँ के छात्रों की बात करूं किसकी, एक नंबर छात्र की, तो भाई ये कितना है 65 है, 0.65 बच्चे, पॉइंट हटाऊंगा तो क्या बटे में 100, तो नीचे वाले किसके हैं भूगोल के हैं, ऊपर वाले किसके हैं इतिहास के, तो क्या यहाँ इतिहास में फालतू किए हैं क्या बच्चे ने, इतिहास में फालतू इतिहास में ज्यादा अंक लाया है भाई, तो आप कहेंगे नहीं भैया यही यहाँ नहीं लाया, तो चलिए इसको मिटा दीजिए यहाँ पे ये नहीं लाया। अगला देखेंगे आप तो यहाँ भी ये क्या बन जाएगा, आप कहेंगे भैया ये बन जाएगा 85/100, नीचे भूगोल है ऊपर इतिहास, क्या इतिहास अब ज्यादा है नहीं, क्या यहाँ इतिहास ज्यादा है ये बनेगा आपका 35/100, क्या यहाँ इतिहास ज्यादा है ऊपर वाली संख्या, आप कहेंगे नहीं, यहाँ इतिहास क्या बनेगा, तो आप कहेंगे भैया यहाँ बनेगा 125/100, क्या ऊपर वाले यहाँ अधिक है, जी हाँ यहाँ अधिक है, तो मेरे शेर ये वाले अधिक है, एक तो कौन से वाले अधिक है, चार अधिक है, ठीक है, और यहाँ अधिक है क्या, तो आप कहेंगे भैया 1.414 है और बटा में कितना 10, तो भाई यहाँ भी अधिक है, तो यहाँ भी अधिक है, यहाँ भी अधिक है, किससे, ये आपके ये वाले हैं, क्या यहाँ अधिक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, आप कहेंगे भैया 95/100 हो जाएगा, क्या ऊपर वाले अधिक है, नहीं, यहाँ अधिक है, तो हाँ आप कहेंगे भैया 155/100 हो जाएगा, ये भी अधिक है, 155/100 हो जाएगा, ये भी अधिक है, ये कितने बंदे 7 बंदे, तो टोटल जोड़ लें 4 5 9 9 और 7 कितना 16, 4 5 9 9 और 7 कितना 16, अच्छे क्या है, मतलब क्या है ये, ठीक 4 5 9 7 16 नहीं है भाई, ये कुछ और दिया है, क्या दिया है, ये बताया है कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज्यादा अंक अर्जित किए हैं, ज्यादा अंक, ठीक है, टोटल क्या है ये ग्राफ में, एक परीक्षा में 7 छात्रों के इतिहास और भूगोल के, अच्छा देखो भाई ये एक एक बंदा है, ये टोटल नहीं एक एक बंदा, तो किस किसने किए हैं, एक तो 4 नंबर लड़का था उसने किए जिसका रोल नंबर 4 था, एक रोल नंबर 5 ने किए और एक रोल नंबर 6 ने, सॉरी 7 ने किए, तो ये कितने बंदे हो गए 1 2 3 बंदे,
कितने बंदे हो गए, एक दो तीन बंदे, तो भाई कितने छात्रों ने किए हैं? आप कहेंगे भैया तीन छात्रों ने किए हैं, ये इनके रोल नंबर समझ लो, क्योंकि टोटल कितने छात्र हैं, सात छात्र हैं टोटल। अब सात हैं तो ये पहले रोल नंबर का, ये दूसरा रोल नंबर, तीसरा रोल नंबर, चौथा रोल नंबर, पांचवा रोल नंबर, छठा रोल नंबर और सातवां बच्चे, क्या है ये बच्चों के रोल नंबर हैं, ठीक है। तो एक बच्चा कौन था जो चार रोल नंबर था उसके ज्यादा थे, जो पांच रोल नंबर है उसके ज्यादा है, और जो सात रोल नंबर है उसके ज्यादा है। तो कितने बच्चे हुए ऐसे, टोटल तीन बच्चे। चलिए अगला सवाल। अब सवाल क्या भाई, पिछले ही इस ग्राफ पे अकॉर्डिंग ये सारे सवाल हैं, इस ग्राफ पे अकॉर्डिंग, ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखो। चलो 39 नंबर का सवाल है, निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले हैं? भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम, बच्चे ऊपर वाले कम किस किस के पास है, ऊपर वाले कम किस किस के पास है, अगर मैं आपसे कहूं तो ये भी देखो कितना आ जाएगा, 65/100। तो आप कहेंगे एक तो किसके पास कम है, एक के पास कम है, एक तो किसके पास कम है मेरे भाई, एक के पास कम है, ठीक है। आगे देखेंगे क्या इसके पास भी कम है, बिल्कुल, एक दो, क्या इसके पास कम है, बिल्कुल कम है, एक दो तीन इसके पास ज्यादा है, इसके पास ज्यादा है, इसके पास कम है, ठीक है, इसके पास ज्यादा है, तो क्या एक दो तीन छह, मृषेर क्या आएगा इस सवाल का आंसर, एक दो तीन छह किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे एक दो तीन छह, जो ऑप्शन नंबर बी है आपका बिल्कुल सही है, एक दो तीन छह। आगे देखो, भूगोल में छात्र तीन से चार के मध्य अंकों की प्रतिशत बढ़त है, भूगोल में मेरे भाई, भूगोल में तो आप लोग देखेंगे यहां से भूगोल की बात देखेंगे, तीन से चार मतलब इन दो बच्चों के बीच, किनके बच्चों के बीच, आप कहेंगे इन दो बच्चों के बीच, तीन से चार के बीच भूगोल में, तो मेरे भाई हम लोग यहां से भूगोल के अंक बता ही नहीं सकते, क्योंकि यहां हमें एक्चुअल में कोई भी डाटा नहीं दिया है, बस हम प्रतिशत के हिसाब से इनका अनुपात तो बना पड़े भाई, अनुपात है हमारा, ये अनुपात बना रखा बस, अनुपात का, अनुपात कभी भी एक पूर्ण संख्या नहीं होती, और ना ही हम अनुपात का, अगर मान लो हमें कोई क्लू नहीं दे रखा तो इसका हम पूरा पता लगा भी नहीं पाएंगे। तो मेरे शायद इस सवाल का जवाब होगा आपका आंकड़े अपर्याप्त, क्या होगा, आंकड़े अपर्याप्त होगा इस सवाल का जवाब आपके का। आगे है भाई क्या है, इतिहास बटा भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर क्या है, अधिकतम और न्यूनतम का। तो भाई इतिहास और भूगोल का अगर अधिकतम अनुपात देखा जाए तो अधिकतम तो ये है सबसे बड़ा, और न्यूनतम अगर देखा जाए, सबसे कम देखा जाए, तो आप कहेंगे भैया सबसे कम जो है, न्यूनतम अनुपात जो है, अगर उसको देखा जाए, बच्चे देखो इसको अगर मैं 100 बनाऊंगा तो इसके बाद भी एक जीरो लगा लो, कभी आप ये सोचो भैया ऐसे है, तो सबसे कम कहाँ है मेरे शेर, तो आप कहेंगे भैया सबसे कम यहाँ है, इन दोनों का अंतर पूछा है, इन दोनों का अंतर, तो आप कहेंगे 155/100 और 35/100, 155/100 और 135/100, भाई तो क्या करेंगे 155/100 इसमें से घटाना माइनस कितना, आप कहेंगे भैया 35/100 ये घटाना, तो बच्चे एलसीएम दोनों का समान ही है, 100 है तो बटे में क्या रख दो 100, और 155 में से 5 में से 5 गया 0 और 15 में से 3 गए 12, 120/100 कितना, 120/100, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1.20 या 0 ना भी हो तो भी बात चलेगी, और जीरो है तब भी बात चलेगी मेरे शेयर, तो 1.20 किस ऑप्शन में है आपका, आप कहेंगे भैया जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही है, 1.20 किस में है, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी में। अगला सवाल है, छात्र चार को भूगोल में 60 अंक मिले तो इसके इतिहास के अंक बताओ, भाई चार नंबर छात्र को 60 अंक मिले हैं भूगोल में, तो चार नंबर ये है आपका, इसको ही ले आइए 125/100 कर लीजिए, कितना 125/100, चलिए मैं यहाँ को कर लेता हूँ 125/100, भाई ऊपर वाले किसके थे, आप कहेंगे भैया इतिहास के थे, इतिहास के, ठीक, और भाई नीचे वाले किसके थे, आप कहेंगे भैया भूगोल के। अब देखो आप कहेंगे, आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई आप इसके नंबर क्यों बता रहे हो जब आपने इसके नहीं बताया, भाई इसमें कोई भी क्लू नहीं दे रखा था कि इस अनुपात को इतना मान लो, और यहां दे रखा है कि नीचे वाला जो अनुपात है हमारा 100 का, इसको 60 मान लो, भाई यहां तो पक्का कह रखा क्या कि छात्र चार को भूगोल में 60 अंक मिले, तो साफ साफ कह रहे हैं कि इस 100 अनुपात जो है इसको क्या मान लो, भाई आप कहेंगे भैया 60 मान लो, इसको काट लीजिए, अभी और काटेंगे हम लोग कितने सा, 25 पंजे 125 और 25 चौका 100, मेरे भाई कितना 25 चौका 100, ठीक है। तो इतिहास में अगर 5 मिले तो भूगोल में कितने 4, और भूगोल में 4 की जगह मिले कितने मेरे शेर, आप कहेंगे भैया 60, कितने गुना, आप कहेंगे भैया 15 गुना, 15 चौके 60, 15 गुना, तो इसका भी क्या कर देंगे हम लोग 15 गुना कर देंगे, इसका भी 15 गुना, तो 15 पंजे कितना, आप कहेंगे भैया 75, तो यहाँ से इतिहास में कितने मिले, आप कहेंगे भैया 75 अंक मिले, और 75 आपके किस ऑप्शन में है, जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है 75, तो भाई देखो यहाँ से आपका बिल्कुल सही है 75 अंक, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी,
तो बच्चे देख लीजिए, ये जो हमारा लाइन ग्राफ था ये जो है पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो हम अपनी वीडियो को यहीं रोकते हैं, कल हम लोग जो है अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे बच्चे।